बॉस ने मीटिंग बुलाई। बाहर बाहर उठो बैठो। तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर फिशर भगंदर पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार। कॉल या विजिट करें www.pilesfistulacure.com। हाल ही में संपन्न हुई कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल वाहनों का भुगतान नहीं करने का आरोप लगाने वाले वाहन संचालकों के आरोपों को नकारते हुए ऑल इंडिया ट्रक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के चेयरमैन करण सिंह राठवाल और महासचिव अनिल भारती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि हमारा राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी पर कोई बकाया पेमेंट नहीं है, ये सब पार्टी को बदनाम करने की कुछ लोगों की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ संचालक विपक्ष के कुछ नेताओं से मिलकर कांग्रेस की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। हम उनसे कहना चाहते हैं कि ऐसा ना करें, उनकी जो भी परेशानी हो वह सीधा आकर हमसे बात करें। वहीं उन्होंने बताया कि भारत जोड़ो यात्रा में भी हमारी गाड़ियां कश्मीर से कन्याकुमारी तक गई थी, वह यात्रा भी हम नहीं की थी और यह दूसरी यात्रा भी हम नहीं की है। न हमारा पहले पैसे रोका गया था और न अब। हालांकि जो लोग आरोप लगा रहे हैं, हमने उनसे बात की है, अपना पैसा ले जाओ। तो उन्होंने होली के त्योहार का हवाला देकर और अपने परिवार के निजी कार्यों का हवाला दिया। अब वही लोग कुछ विपक्षी नेताओं के बहकावे में आकर कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। और क्या कुछ कहा आगे सुनाते हैं इस रिपोर्ट में। नाम कुलतरन सिंह अटवाल है, मैं चेयरमैन हूँ ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस का, जो कि देश की सबसे ट्रांसपोर्ट बड़ी संस्था है पूरे इंडिया के अंदर। आज हमारे संदर्भ में एक मुद्दा आया है, हमारे जो मेम्बरान हैं अनिल कौशिक जी, इनका कॉन्टैक्ट था जो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान इन्होंने गाड़ियाँ प्रोवाइड की थी और उन गाड़ियों की पेमेंट लगभग हो चुकी है। कुछ गाड़ियाँ थी 20 से 25 गाड़ियाँ जो ड्राइवर होली के दौरान छुट्टियाँ पड़ी और अपने घरों में चले गए, बाकी सभी गाड़ियों की पेमेंट हो चुकी है। जिन गाड़ियों की कुछ बैलेंस बकाया है, बहुत ही कम बकाया है, उन गाड़ियों की पेमेंट हम करने के लिए तैयार हैं। उनके पास हमारे कंटेनर्स हैं जिसके अंदर एसी लगे हुए हैं, जो कि माल 3-4 लाख से ज़्यादा हर गाड़ी के ऊपर, वो हमें जमा करा दें और अपनी जो बकाया पेमेंट ले लें। और ये कुछ प्रचार किया जा रहा है कुछ पार्टियों के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ, कुछ अन्य दलों ने किया है, उसका हम विरोध भी करते हैं और उसकी निंदा भी करते हैं। ऐसा कोई मसला ही नहीं है कि उनकी पेमेंट नहीं हुई पार्टी की तरफ से, पार्टी ने कांग्रेस पार्टी ने पूरी पेमेंट दे दी है। क्योंकि हमारे ट्रांसपोर्टर का काम होता है इलेक्शन के दौरान, अगर कोई बस मांगती हैं पार्टियाँ, इलेक्शन अफसर बस मांगते हैं, इलेक्शन कमीशन बसें मांगती हैं, कुछ राजनीतिक पार्टियाँ बसें मांगती हैं या ट्रक मांगती हैं, हम उन्हें प्रोवाइड करते हैं। उनकी तरफ से कोई देरी नहीं है, उनकी पेमेंट हो चुकी है। ये सिर्फ उनको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, हमारे कॉन्ट्रैक्टर को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। अगर किसी की कोई बकाया राशि है तो हमारी संस्था भी उसके साथ, हमारे कॉन्ट्रैक्टर के साथ में है, उनका बकाया हम राशि देने के लिए तैयार हैं। लेकिन जो हमारे उनके पास सिक्योरिटी पड़ी है, कंटेनर पड़े हैं, वो हमें वापस किया जाए और बगैर बात पे किसी राजनीतिक पार्टी को बदनाम ना किया जाए, क्योंकि हमारी कोई पेमेंट किसी पार्टी की तरफ बकाया नहीं है। मेरा नाम मनोज पाल है, दिल्ली हरिद्वार ट्रांसपोर्ट है अपनी। मनोज जी, कितनी गाड़ियाँ आपने दी थी? हमने इनको 40 गाड़ियाँ दी थी अनिल कौशिक जी को। जिस तरीके से इन्होंने कंडीशन रखी थी उस तरीके से सब गाड़ी वालों को पेमेंट मिली, लेकिन होली के दौरान जैसे गाड़ी रैली वहाँ से वापस हो रही थी, उस दौरान में होली के टाइम पे गाड़ी वाले कुछ अपने घर चले गए, कुछ यहीं पर रह गए, तो उनकी गाड़ियाँ उतर गई, डब्बे उतर गए, उनकी पेमेंट क्लियर हो गई। अब उनको हमने बोला भाई आ जाओ, सबका पेमेंट हो गया है, अब भी पेमेंट लो। वो कहते हैं जी हमारे तो यहीं खाते में पैसे डालो तब हम ले कर आएंगे, जबकि कल की डेट में ही हमने 12 गाड़ियों को टोटल पेमेंट उनके खाते में डाल दी, लेकिन फिर भी गाड़ी वाले ले कर नहीं आ रहे। तो हम यही कह रहे हैं कि वो अपने डिब्बे उतारें और अपनी पेमेंट हाथ के हाथ लेके जाएं। ये खराब किया जा रहा है सर, ये गाड़ी वाले ही वीडियो बना रहे हैं, यूट्यूब पर डाल रहे हैं, उल्टा सीधा उसमें प्रचार कर रहे हैं, कांग्रेस के बारे में उल्टा सीधा बयान दे रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए ऐसा। जी हम भारत जोड़ो यात्रा जो कन्याकुमारी से कश्मीर हुई थी, वो यात्रा भी मैंने की थी पूरे भारत में, और ये दूसरी यात्रा जो मणिपुर से मुंबई हुई है ये भी मैंने करी है। पिछली यात्रा करी उसकी भी हमने पेमेंट टाइम पे दी है, और ये जो यात्रा है इसकी पेमेंट भी हम शेड्यूल पर दे रहे हैं। लेकिन कुछ गाड़ी वाले, जैसे कि प्रधान जी ने बताया कि वो, और मनोज जी इसकी भी ड्राइवरों से बात हुई, वो होली पे बोले हम घर जाएंगे, तो हमने कहा कि आप प्लेटफॉर्म वहाँ खड़े करिए, हम उतार देंगे उसके बाद चले जाओ।
तो वो लोग माने नहीं, किसी को एक बंदा बोला कि मेरी माँ बीमार है या जो भी उनकी समस्याएं रही होगी, हम उसमें केयर नहीं किया क्योंकि होली का टाइम था। उसके बाद वो किसी अपोजिशन के किसी बंदे से मिले, मोती नाम का एक ड्राइवर है और एक सतेंद्र नाम का ड्राइवर है, उनकी महत्वाकांक्षा इतनी है वो सोचते हैं कि हमसे बड़ा कोई नेता नहीं है, क्योंकि एक दो लोगों से मिल लिए उनको लगता है कि मैं पार्टी का नाम बदनाम करूं। हम ये कहना चाह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमारा कोई बकाया बाकी नहीं है, कांग्रेस पार्टी से हमने कोई पैसा लेना नहीं है, और गाड़ी वाले का 2 महीने का पैसा हम दे चुके हैं। 2 महीने 16 दिन यात्रा चली, 5 दिन ट्रांजिट टाइम होता है, 22 दिन की पेमेंट हमारे पास बचती है। 22 दिन की पेमेंट जैसे ही जो प्लेटफॉर्म उतारेंगे हम उनको दे रहे हैं। पहले भी काफ़ी गाड़ियां हुई खाली हुई, काफ़ी ड्राइवर्स को हमने पेमेंट दे दी है, गाड़ी मालिकों को दे दी है, उनसे भी हमने काफ़ी बार अनुरोध किया कि आप भी आइए और अपनी पेमेंट लीजिए। NBC न्यूज़ के लिए नई दिल्ली से ब्रजेश कुमार की रिपोर्ट।